हमारे साथ सुरभि जी हैं पटना से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, बताइए। हजीन साहब से बात करना था। जी सुरभि जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर इसका नमस्कार सर। नमस्कार। आदाब आदाब। हाँ सर, मेरी बेटी है ना, मार्च में एंट्री हुई थी और उसके बाद से लॉकडाउन हुआ है। डॉक्टर को दिखाए थे जाते, इसका हेल्थ बढ़ रहा था, तो हेल्थ बढ़ रहा था तो हम इसको दिखाए डॉक्टर को जाके, तो डॉक्टर देखा तो बोला इसको थायराइड है, तो थायराइड में होकर सब रिपोर्ट कराए, अल्ट्रासाउंड उन सब करा दिए तो कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, एज और बता दीजिए बच्ची की। 18 साल है सर। ठीक है, और देखिए थायराइड भी हमारे जिस्म पर और महिलाओं पर कुछ ऐसा असर डालता है जिससे ये MCB रुक जाती है। जिन लोगों को थायराइड हो उनको चाहिए कि जो दवा उनकी डॉक्टर की चल रही है वो जारी रखें, और एक नुस्खा है बहुत अच्छा जिसे आप लिख लीजिए। देखिए धनिया जो आपके यहाँ धनिया दाना होता है किचन में, ये 300 ग्राम लीजिए। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, और आंवला भी सूखा हुआ मिलता है, और 100 ग्राम मेथी। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम मोरिंगा का गोंद, इसे सहजन का गोंद भी कहते हैं। मोरिंगा आप सर्च करेंगे आप समझ जाएं, उसका गोंद आता है, काफ़ी बड़ा बड़ा होता है और फीका सा होता है। इन सबको पाउडर बनाइए और रोज़ाना जब आप गोली खाते हैं थायराइड की, तो थायराइड की गोली खाएं उसके आगे या पीछे एक चम्मच, यानी छोटा चाय का चम्मच 3-4 ग्राम ही खा लिया करें। ये दिन में 1 से 2 बार खा सकते हैं और आप देखेंगे कि हर महीने थायराइड उनका लेवल पे आता चला जाएगा और आपका डॉक्टर आपकी गोली कम करता जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैंने जिसको भी ये नुस्खा बताया उसको फ़ायदा हुआ और अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उस गोली को कम करते करते छोड़ना है और फिर ये दवा भी छूट जाएगी, बच्ची का थायराइड ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल सुरभि जी, आपकी बेटी को जो थायराइड हो रखा है जिसकी वजह से उसे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ शब्दों में हकीम साहब जी ने बोल दिया है कि जो मेडिसिन उनकी चल रही है वो खाती रहें, धीरे धीरे करके ही उन्हें कम करना है, लेकिन जो घरेलू उपचार जो नुस्खे यहाँ पे आपको हकीम साहब जी बता रहे हैं वो फॉलो कीजिए, फिर देखिएगा कैसे वो सेहतमंद हो जाती हैं, जो परेशानियाँ उनके शरीर में चल रही हैं वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। तो दर्शकों आप लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, आप लोग हकीम साहब जी से बात कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ पूनम जी हैं देहरादून से, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार, बताइए प्रश्न कीजिए। हाँ जी मैम, मेरे 2 सवाल है आपको। हाँ जी मैम, पहले तो मेरे बीपी डाउन होता है, मेरा बीपी बहुत बीपी की बहुत समस्या हो रही है ना, मेरा बीपी रखता है, मेरा बीपी डाउन हो जाता है। हाँ जी बीपी हो जाता है, मेरा बीपी डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। जी ठीक है, और मेरा तो सब महीने से होती ना, उसके बाद मेरे सफेद पानी पड़ता है बहुत। ठीक, अच्छा देखिए जिसका बीपी डाउन होता है वो खाने पीने वाली बीमारी है, जैसे ज़्यादातर लोग हाई बीपी के मरीज होते हैं तो उसमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है, लो बीपी के लोग बहुत कम होते हैं। और इसमें देखिए अच्छा खाए पिएंगे आप, ताकतवर ग़िज़ा, तो आपका बीपी ठीक रहेगा। और कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत कम हो गया तो फौरी तौर पर एक कॉफ़ी पी लिया करें, या कुछ भी नहीं मिले आपको
बीपी बहुत कम है तो एक चुटकी नमक खा लिया करें, और अगर बाकायदा इलाज करना है आपको तो फिर आप ये जो एलोवेरा आता है, एलोवेरा का सिरका आता है, सिरका एलोवेरा, ये आप लीजिए और 3 चम्मच छोटे चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और उसमें 1/2 से 1 चुटकी जो आपके यहाँ सोडा होता है खाने का सोडा, इसमें डालकर और रोज़ाना पी लिया करें, 3 महीने तक पीजिए, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है सुलोचना जी, करनाल से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है जी। जी आदाब, बताइए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब, मेरे पैर के नीचे एक गांठ है जी, वो मैंने काफी इलाज किए हैं, ये गांठ नहीं जाती जी। इसमें आपने एक बार बताया था आलू उबले हुए में क्या मिलाना है, ये मुझे समझ नहीं आया डॉक्टर साहब, ये बताओ क्या मिलाना है इसमें। पैर के किस हिस्से में गांठ है? हाँ जी, किस तरफ को है पैर की गांठ? पैर के नीचे है जी, पैर के नीचे है गांठ है, और चल ये मैंने कौन है जी, और ये पैर के नीचे इसमें बड़ी दिक्कत होती है, चलते फिरते भी दिक्कत होती है, मैंने कौन कैप भी लगाई है इसमें, उससे भी कुछ आराम नहीं आया जी, तो आप कोई दवाई बताइए इसमें। हाँ, कौन है उसे कौन ही कहा करिए, गांठ मत कहा करिए, और ये चप्पल पहनने से या कुछ उससे हो जाती है, और इसको काटना भी ठीक नहीं है, इसे काट दो तो फिर ये और हो जाती है। तो देखिए, आलू जो हम उबालते हैं, उबाल कर और इस पर आलू जब उबल जाए तो उसको ऐसे काटिए जितनी बड़ी आपकी कौन है, और आलू में ऐसा सुराख सा करिए, और उसमें ये जो आपका अरंडी का तेल है वो उस पर लगा के और वो आलू बांध दीजिए, और ऐसा बांधिए कि वो रुका रहे उस पर, रात भर रुका रहे, और दिन में खोल भी सकते हैं, ये अमल आप रोज़ाना करिए तो आसानी से इसका निकलना मुमकिन है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं कविता जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी जी कविता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मंडी धनोरा जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरा बेटा 18 साल का है, उसका जुकाम कभी नहीं जाता, खांसी बहुत आती है, खलखल आती है सीने पे, ठीक है, उसके बारे में पूछना था क्या करना चाहिए जी। तो देखिए, जिन बच्चों को भी या बड़ों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, दमा, छींक है ये रहती है, उसमें उन लोगों में इम्यूनिटी की कमी होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ज़रूरत से कम होती है, उसको बढ़ाए बगैर हम उनका इलाज नहीं कर सकते, और यूनानी में इसका इलाज है, लेकिन 5-6 महीने भी इलाज करना पड़ सकता है। यूनानी में देखिए, लिसोड़ा आप लिख लीजिए, लिसोड़ा, उन्नाब, लिसोड़ा और उन्नाब, ऐसे 100-100 ग्राम ले लीजिए, और अलसी, लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी, तीनों चीज़ों को 100-100 ग्राम लें, पाउडर बना लें, और इसमें 10 ग्राम पीपलें जो आपके किचन में लंबी लंबी होती हैं 1-2 इंच की पीपलें कहलाती हैं, इसमें ये भी मिक्स कर लें, और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, यानी खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ खिला दिया करिए ये पाउडर, और ज़्यादा है तो रात को भी खिला दें, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको बाहर की चीज़ें, चिप्स, जो जितनी भी चीज़ें बाहर की मिलती हैं बच्चे जिनको खाते हैं, उससे परहेज कराएं, उससे भी हमें बहुत नुकसान पहुंचता है, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं, ठंडी और खट्टी चीज़ें अगर 5-6 महीने तक ना खाएं और ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है।
तो चलिए आपके बच्चे को फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन ये घरेलू नुस्खे जो अभी आपको हकीम साहब जी ने बताए हैं वो आपको करने हैं, फिर देखिएगा आपके बच्चे की परेशानी ज़रूर दूर हो जाएगी। दर्शकों, इसी प्रकार से आप लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ के हर एक प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। निसंकोच आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़िए दर्शकों, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप लोग रोग मुक्त होना चाहते हैं, अगर कोई भी बीमारी आप लोगों को लगती है कि तो खत्म नहीं हो पाएगी, देखिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा तो इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप घरेलू उपचार अपनाते हैं तो आपके जो कोई भी रोग होता है, जो आपके शरीर को पकड़ लेता है, वो धीरे धीरे करके कम होता है। लेकिन घरेलू उपचार अपनाने होंगे जिनका कोई भी नुकसान आपको नहीं होने वाला है, कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाला है, लेकिन उपाय अपनाइए, उपचार अपनाइए। एक एक बात नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। जो भी दर्शक यहाँ पे कॉल लगाते हैं, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए दर्शकों, और इसी के साथ टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, क्योंकि कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर से हम बात कर पाएँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हकीम साहब जी अपना समय निकाल के यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन उठाइए, नंबर्स लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ सुनीता जी हैं बहादुरगढ़ से, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो जी सुनीता जी, नमस्कार, बताइए। मैम मुझे ना बाल झड़ने की समस्या के इलाज के बारे में पूछना जी। कितनी उम्र है आपकी? हेलो, एज बताइए। सर 70 से अब मेरे से मगर नहीं आया सर, समझ में आ रहा? क्या एज है आपकी? 70 प्लस है मैम। 73? हाँ जी जी, बालों की समस्या। अच्छा देखिए, 73 में तो सबको बालों की समस्या होती है, तो आप इससे कोई मर्ज ना समझें, बल्कि 70 में किसी के भी बाल कम हो सकते हैं और झड़ सकते हैं। फिर भी बालों के लिए किसी को अगर ज़रूरत है तो, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ नारियल पानी मिल सकता है रोज़ाना एक, तो नारियल पानी पिया करिए। और अगर आप ऐसी जगह हैं कि नारियल पानी नहीं पी सकते या हैसियत नहीं है, किसी किसी को नारियल पानी, क्योंकि काफ़ी महंगा आता है, 20-30 रुपए का तो आता है, तो नहीं पी सकते जो लोग, वो महंगा पड़ता है, तो सफ़ेद तिल आधा चम्मच रोज़ाना चबा के खाएँ, 4 किशमिश के साथ, किशमिश साथ में खा लें रोज़ाना। ये अमल करने से भी बालों की समस्या का हल होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं उमा देवी जी पटना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, मुझे मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज 18 साल है और मेरा मतलब कि 4 मंथ है ना, मैं मतलब पीरियड नहीं आ रहा है। डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड भी मैंने करवाया है, लेकिन वो कुछ नॉर्मल ही रिपोर्ट रहा मेरा जी। शायद आपकी मम्मी का फोन आया था, थायराइड का भी आपने टेस्ट कराया है? नहीं, थायराइड नहीं है मुझे। नहीं है? नहीं, उसका रिपोर्ट मैंने कराया है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सब टेस्ट करवाया मैंने, मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया है। आपकी आवाज़ तो बहुत छोटी बच्ची की सी लग रही है, जैसे बहुत बहुत गुड़िया होती है छोटी सी, ऐसी आपकी आवाज़ लग रही है। 18 साल की नहीं लग रही, बहुत भोली भाली बच्ची लग रही हैं। बहरहाल 18 साल में अगर ये परेशानी हो रही है तो एक बहुत आसान इलाज है। देखिए, ये जो हल्दी है, किचन में हल्दी होती है, किचन की हल्दी, घर की पिसी हो तो बड़ा अच्छा, या भरोसे की होनी चाहिए। एक हफ्ते में एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी पीना है, जैसे आज पीना है, फिर अगले हफ्ते इसी दिन पीना है, फिर अगले हफ्ते इसी दिन पीना, ऐसे एक महीने में 4 बार पीना है। अगर आप ये महीना 2 महीना करें तो आपका मेंसेस का प्रॉब्लम ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं विमलेश जी दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, आदाब। नमस्कार जी, आदाब जी, बताइए क्या सवाल, क्या सेवा? जी डॉक्टर, मेरे
चार पांच साल से मेरे घुटनों की गिरिस गिजी बताई है, और डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन से डर लगता है कि मैंने ऑपरेशन कराना, घुटनों की दोनों घुटने में चार पांच साल हो गए, हर डॉक्टर हॉस्पिटल में दवाई खा के मैंने परेशान हो गई, और उसमें और थायराइड भी है मेरे को, और अब इतनी कमजोर होती जा रही हूँ, मेरी उम्र है 45 साल। ठीक है, देखिए ऑपरेशन तो कराना नहीं, और एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ और वो आप शुरू करें। देखिए दवा भी बता देता हूँ क्योंकि आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिन से परेशान हैं। देखिए या तो गौंद स्याह कहते हैं, लिख लीजिए गौंद स्याह, यानी काला गौंद, आधा ग्राम रोजाना सुबह और शाम। गौंद स्याह असली लेना, कड़वा होता है बहुत। और ये जो धनिया है आपका किचन में, इसका पाउडर बना लीजिए, घर में पाउडर बनाइए तो बहुत फायदा करेगा। एक चम्मच यानी 3-4 ग्राम धनिया और आधा ग्राम गौंद स्याह इसमें मिलाइए, सुबह और शाम खाया करिए। थायराइड की गोली खाते रहिए, अगले महीने से आपका डॉक्टर आपसे कहेगा कि आपका थायराइड कंट्रोल आने लगा, थोड़ा थोड़ा कम करता चला जाएगा, और ये आप शुरू करें, आपको 8 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा, एकदम से नहीं होता। ये जड़ी बूटी की दवा है, आयुर्वेदिक दवा है, यूनानी दवा है, और एक महीने में इतना फ़ायदा होगा कि आपको इत्मीनान आ जाए, और 3-4 महीने में इतना फ़ायदा होगा कि हम दोनों को इत्मीनान आ जाए। ये शुरू करें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है।